एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से। जी हां, आपको बता दें कि छात्र संघ के चुनाव में बवाल हो गया है। एबीवीपी के प्रत्याशी के हारने के बाद यह बवाल हुआ है। छात्रों ने कोतवाली और बाजार में पत्थरबाजी भी की है। पकड़े गए 7 छात्र नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर यह हंगामा हुआ है। कोतवाली में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जबकि कई बाइकें पुलिस के कब्जे में हैं। सत्ता किस तरह से लोगों को मदहोश कर देती है, इसकी वानगी गाजीपुर में आज देखने को मिली। आज छात्र संघ चुनाव जो स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में था, जहां से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आकाश राय, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रास बिहारी के पुत्र हैं, के नामांकन से पूर्व विद्यार्थी परिषद से किसी अन्य का नाम था, लेकिन सत्ता का दबाव देकर नगर अध्यक्ष ने अपने बेटे को प्रत्याशी घोषित कराया। आज चुनाव के दौरान जब चुनाव परिणाम आने को हुए तो इनकी हार की जानकारी मिलने पर छात्र नेताओं ने कॉलेज के पास बवाल करना शुरू कर दिया और रिकाउंटिंग की मांग करने लगे, जिस पर कॉलेज प्रशासन द्वारा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की चुनाव को लेकर दोबारा गिनती कराया गया। दोबारा काउंटिंग के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा अध्यक्ष पद के लिए विपिन यादव की घोषणा कर दी। उसके बाद काउंटिंग स्थल पर ही छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक एडीएम ने मोर्चा संभाला और छात्रों को तितर बितर कर आकाश राय सहित 7 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर कोतवाली लाई। कोतवाली लाने के बाद इनके समर्थक कोतवाली तक पहुंच गए और इन छात्र नेताओं को छुड़ाने के लिए कोतवाली में पत्थरबाजी करने लगे और कुछ छात्र कोतवाली के बाहर बाजार में ईंट पत्थर चलाने लगे, जिसके बाद लोगों में भय व्याप्त हो गया और अपनी दुकानें धड़ाधड़ बंद करने लगे। पुलिस इन सबको अपने लाठियों के दम पर कोतवाली परिसर से दूर खदेड़ी। वहीं इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी हल्के तौर पर चोटिल भी हुए। मामला नियंत्रण में आने के बाद पुलिसकर्मियों ने इन छात्र नेताओं की बाइक, जो कोतवाली परिसर में खड़ी थी, उसे अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसमें एक वाहन पर हिंदू युवा वाहिनी भी लिखा था, जिससे साफ है कि छात्रों द्वारा हंगामा करने वालों में वे लोग भी शामिल रहे होंगे। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि मामला नियंत्रण में है, पकड़े गए लोगों की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने पकड़े गए छात्रों को विद्यार्थी परिषद से संबंध होने की बात को नहीं स्वीकार किया और इस मामले में पुलिस पूरी तरह से सत्ता के दबाव में नजर आई और बवाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करती नहीं नजर आई। आज सहजानंद डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव था, उसमें कई प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसमें आपसी प्रतिद्वंदिता थी, उसके तहत पर्याप्त फोर्स बल पुलिस बल नियुक्त किया गया था। उसी में किसी बात को लेकर दो पक्षों में टकराव हुआ। तत्काल पुलिस अधीक्षक नेतृत्व में पर्याप्त फोर्स पहुंच गया और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए उनको इधर उधर कर दिया गया। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उसके बाद कुछ लोग जो मौके पर पकड़े गए थे उनको पूछताछ और सत्यापन हेतु थाने पर लाया गया था। उसी के लेके कुछ लड़कों का एक गुट आया था, थोड़ा बहुत हंगामा करा था, उनको समझा बुझा दिया गया है और इसमें सत्यापन करने के उपरांत जो भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नहीं, पार्टी की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को तो वहाँ जब वो पथराव थरा कर रहे थे वहाँ कुछ लोगों को पकड़ा गया था। उसमें है कि कोई कोचिंग करने जा रहा था, इस तरह हम उसका सत्यापन कर रहे हैं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। जो ऐसे ही राहगीर थे पकड़ लिए गए उनको मुक्त कर देंगे। बाजारों में भी कुछ दुकानों पर भी कुछ नहीं। इस प्रकार की अभी कोई किसी प्रकार की इस तरह की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है और हम लोगों ने पूरा बाजार में मूवमेंट किया है, किसी द्वारा ऐसी कोई बात भी नहीं बताई। अब पार्टी लेवल पे तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है कि, लेकिन है कि सभी पार्टी के थे और छात्र संघ का चुनाव है छात्रों का, तो पार्टी के आधार पर तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। CIB इंडिया न्यूज के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ फारसी की रिपोर्ट।